जय श्री राधे। तो क्या होता है पितृदोष? पितृदोष के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा और यह भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति पर पितृदोष है। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या होता है पितृदोष। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार विधि विधान से ना किया जाए या फिर उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए या कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यह एक पीढ़ी ही नहीं बल्कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है। पितृदोष होने की वजह क्या होती है? पितृदोष होने की वजह होती है अपने पितरों का अपमान करना, किसी सर्प को मार देना। इससे सर्प के साथ पितृदोष भी लगता है। पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार ना करना, पितरों को याद ना करना, पितरों का श्राद्ध ना करना, या फिर पीपल, नीम या फिर बरगद के पेड़ को कटवाना, इससे भी पितृदोष लगते हैं। क्या आपके ऊपर भी पितृदोष हैं? यदि आपको भी पितृदोष का सामना करना पड़ रहा है तो आप भी यह उपाय कर लें जिससे आपके पितृदोष शांत हो जाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। किसी मंदिर परिसर में पीपल अथवा बरगद का वृक्ष लगाएं और उसमें रोजाना जल डालें, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा आपके ऊपर लगे पितृदोष भी दूर होते जाएंगे। दरअसल इन वृक्षों पर ही सभी देवी देवता, इतर योनियां, पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात एक माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राधे।